नागपुर सत्र का आज पहला दिन है, तो क्या सबसे पहले तो जिस तरह से राहुल गांधी का विरोध किया जा रहा है, आप किस तरह देख रहे हैं, क्या लगता है, जिस तरह से माफ़ी मांगो माफ़ी मारोगे के नारे लग रहे हैं, आप भी इस बात में, आपको भी लगता है माफ़ी मांगना चाहिए? राहुल गांधी जी क्या बोले ये देश लेवल का प्रश्न है। हम अभी महाराष्ट्र के अधिवेशन में आए हैं, महाराष्ट्र के जो हालत है किसानों की उसके बारे में हम चर्चा कर रहे हैं और उसके बारे में आवाज़ उठाने के लिए यहाँ पे आए हैं। मुंबई वासियों के लिए जो सुविधा मिलना चाहिए उसके लिए आवाज़ उठाने आए हैं। मुंबई की हमारी क्रांति नगर के जो झोपड़पट्टीवासी है उनकी जो हालत है उनको उनका न्याय मिलना चाहिए, उनको हक मिलना चाहिए, उसके लिए लड़ने के लिए मैं यहाँ आया हूँ। तो मामा लांडी का मेन मुद्दा क्या होगा, मेन सब्जेक्ट क्या होगा जब वो सत्र में अंदर जाएंगे, जब वो अपनी बातों को रखेंगे विधान भवन? यहाँ पे कुर्ला वासियों को जो मिट्टी रिवर के बाजू में जितने झोपड़पट्टी वासी हैं हर साल बारिश में उनके जान को खतरा है, इसलिए महाराष्ट्र शासन ने आज तक उनको आने वाली दिवाली कहते कहते 15 साल गए लेकिन उनको न्याय नहीं मिला। बस सबसे पहले यहाँ पे महाराष्ट्र शासन के पास, हमारे मुख्यमंत्री साहब के पास वही कह रहा हूँ कि मेरी क्रांति नगर की झोपड़पट्टी है, मेरे मिट्टी नदी के बाजू में जितनी झोपड़पट्टी है जिनके घरों में हर साल बारिश का पानी जाता है, उनके घरों के ऊपर से बारिश का पानी जा रहा है, ये उनकी हालत, उनकी जान को जो खतरा है उनको न्याय मिलना चाहिए। उनके लिए जो 10-12 साल से घर बना के रखा है उनका हक का घर उनको मिलना चाहिए।